प्यार सचिन के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर जब से भारत आई है चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि भारत में आते ही उन्होंने अपने प्यार के लिए खुद को पूरा बदल दिया। चाहे वो हिंदू पहनावा हो या हिंदू धर्म, सीमा खुद को पूरी तरह बदल चुकी हैं और भगवान में उनकी आस्था देखकर तो कोई मान ही नहीं सकता कि वो एक मुस्लिम महिला हैं और पाकिस्तान से आई हैं, क्योंकि वो भारत में आते ही भारतीय त्योहारों को मनाती नजर आई, साथ ही पूजा पाठ में भी रुचि दिखाती नजर आई। अब सीमा एक बार फिर कुछ ऐसा करने जा रही हैं जिसके बाद सबका ध्यान फिर उन पर आकर्षित हो गया है। तो सीमा इस बार क्या करने जा रही हैं, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमसे जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रोजाना लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर देश दुनिया के लोग अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं। वहीं अपने प्यार के लिए सरहद पार कर भारत आई सीमा हैदर भी रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाना चाहती हैं और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सीमा हैदर पैदल ही अयोध्या जाना चाहती हैं। बता दें कि फिलहाल सीमा नोएडा में रहती हैं और यहां से अयोध्या की दूरी लगभग 645 किलोमीटर है, जिसके लिए सीमा हैदर ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अनुमति मांगी है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि सीमा को अनुमति मिलेगी या नहीं। बता दें कि पाकिस्तान से आने के बाद सीमा हैदर खुद को हिंदू बताती हैं। सीमा कहती हैं कि पूजा पाठ अब मेरे जीवन का हिस्सा है, अब मैं पूरी तरह हिंदू हूँ और सुबह शाम पूजा भी करती हूँ। सीमा ने बताया कि वो राम मंदिर देखने के लिए बहुत खुश हैं और एक्साइटेड भी, और सरकार से निवेदन करती हैं कि उन्हें राम मंदिर जाने की इजाजत दी जाए। सीमा के वकील एपी सिंह बताते हैं कि सीमा और सचिन पैदल यात्रा करके राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, जिसके लिए वो सरकार की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। बताते चलें कि सीमा 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में, 17 जनवरी को महाराणा प्रताप सेना ने सनातन धर्म जन जागरण यात्रा में सचिन मीना और सीमा हैदर के साथ वकील एपी सिंह भी शामिल हुए थे। और ये तो रही अयोध्या की बात, सीमा तो मथुरा और वृंदावन भी जाना चाहती हैं। जी हाँ, आपको बता दें, वहीं अगर नजर डालें सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर तो आपको बता दें कि नोएडा के सचिन को पाकिस्तान की सीमा से प्यार हो गया था और वे अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई थी। उनका कहना है कि ऑनलाइन गेम खेलते समय दोनों के बीच दोस्ती हुई और यह धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद उन्होंने भारत आने का फैसला लिया और वे अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान को छोड़ भारत आ गई। तो आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी अपडेट के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।